कैसे हैं बाबा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, तो थंबनेल में आप देख ही लेंगे। तो बेला के लिए मैं एक कैट लेके आने लगी हूँ। मेरी जो आनी है ना खाला, उनके पास 2 से 3 कैट्स हैं, तो उनमें से मैंने एक कैट लेनी है, तो वो मैं कैट लूँगी, तो फिर वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके तो चले चलते हैं, और अब जाके बेला के लिए वो दूसरे कैट को लेकर आते हैं। तो अब जिस तरह मैं जाऊँगी, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। मैं उस ट्रेन से जा रही हूँ, तो वो आपको सारा दिखाती हूँ। तो अब मैं नानों के घर आ गई हूँ, और आते साथ ही मुझे यहाँ पर जेली नज़र आ गया, जो कि मेरे पाँव के पास आ गया, और बिल्कुल इसने मेरे पाँव छोड़े ही नहीं, बार बार पकड़ता रहा और खेलता रहा। फिर मैं भी इसके साथ खेलती रही। इस जेली के बारे में मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, जब मैं आई थी यहाँ पर, ये बेला और जो स्मोकी थी, एक ब्लैक कलर की कैट भी थी, कुछ दिन के लिए वो मेरे पास आई थी। तो ये उसका भी, ये भी बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है। पिछले दिनों ये बीमार था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ये ठीक है। और जिस कैट का मैं आपको बता रही थी कि मैंने लेकर आना है, वो है ये। तो ये तो अभी मैं इसको फिर अपने घर ले आई हूँ, तो अब ये आके बस अभी तक सो रही है और उठी नहीं है। इसका नाम जो मेरी आनी ने रखा है, वो है इसका नाम नैना। और बेला अब इसके पास आ गया, तो बस अभी इनकी थोड़ा फ्रेंडशिप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी ये बेला को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने दे रही थी, और इसके ऊपर मारने को चल रही थी। अब बेला इसके, मैंने बेला को इसके साथ बिठाया, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, दोनों ठीक हो जाएंगे। बेला की शक्ल मासूम है, तो आपने इसकी शक्ल पे नहीं जाना। गजब बेइज्जती है। जब इसे कोई बिल्ली या बिल्ली का बच्चा नजर आ जाए, और ये जिस तरह भागता है और हमें अपने पीछे ये भगाता है ना, ये हमें पता है। रात को भी इस तरह ही हुआ था कि ये फिर से अभी हवा टेरिस पर गई है, और ये टेरिस पे पीछे गया, पता ही नहीं चला ये किस तरह निकला। और ये पहले सात वालों के घर जाता है, फिर वहाँ से ये पीछे घर में जाता है, और रात को 11 बजे मैं फिर इसको लेकर आई हूँ। इतना बुरा लगता है ना जब लोगों के घर जाना पड़ता है इसके पीछे, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं खुद वापस आने का नहीं वेट करती कि पता नीं आए या ना आए, तो फिर हम, मैं और बिहार रात को खुद हम इसको लेकर आए। वहाँ पर भी बिल्ली का बच्चा था, ये उसके पीछे पीछे, इसने उसे मारा भी था मेरे सामने। फिर अब मैंने इसको बाहर नहीं जाने देना, अब जो भी होगा, जिस तरह मर्जी है मासूमों वाला मुंह बनाए, लेकिन ये घर के अंदर ही रहेगा। कंट्रोल कंट्रोल। और जब से नैना आई है, नैना तो बस लेटी हुई थी, अब ये उठी है, थोड़ा सा ये बाहर आई है, तो फिर मैंने इसकी ये वीडियो रिकॉर्ड किया कि थोड़ा चल फिर लेगी। शुक्र है अल्लाह का कि अब थोड़ी नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। और ये अभी छोटी है, क्योंकि बेला तो माशाल्लाह 2 साल से ऊपर है, तो ये अभी छोटी है, और ये ज़रा बेला के साथ अभी इसकी दोस्ती भी नहीं हुई है। और बेला यहाँ फिर अपनी मस्ती में, अबीहा ने इसको ऊपर अलमारी में बिठा दिया था। अबीहा को और कोई काम नहीं होता, तो अबीहा बेला को यहाँ पर ऊपर बिठा देती है, और फिर बार बार उसका वेट करती है कि बेला कब नीचे है। और बेला भी जब एक बार ऊपर बैठ जाए, तो वो फिर आने का नाम ही नहीं लेता, आराम से मस्ती में बैठा रहता है, और फिर अबीहा उसे बुलाती रहती है अभी भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन नहीं, जिस तरह मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन जहाँ बेला का फूड जो उसका डब्बा होता है वो ले आओ, तो वहीं बेला ने फ़ौरन छलांग मार के नीचे आ जाना। अभी जितना मर्जी इसको बुला लो, इसने नहीं आना।
ये बाजी करती होती थी, इसको ऊपर बिठा देती होती थी, और अब बाजी के बाद अब ये बीहा के काम है, बीहा इसके साथ ये करती है। मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? और आप लोग देख सकते हैं कि बेला स्टिल इग्नोर कर रहा है कि जो करना करते रहो, मैं अपनी मर्जी से नीचे आऊँगा, है ना बेला? पता नहीं अब थोड़ी देर में आ ही जाएगा नीचे, अभी वो आराम से ऊपर सुकून से बैठा हुआ, और अभी हाँ बस अभी से बुलाने की कोशिश कर रही है लेकिन आएगा नहीं, और बीहा इसको अंदर बंद भी कर देती है। अरे ना बीहा, पता नहीं उसको सांस आएगा नहीं आएगा, लेकिन बीहा ने थोड़ी देर के लिए बंद किया था, फिर मैंने फ़ौरन इसे खुलवा दिया कि नहीं बंद नहीं करना। और इस टाइम जब बेला ऊपर था तो फिर नैना सो रही थी, वो बैठ के नीचे से भी ना ज़्यादा निकल नहीं रही है, क्योंकि जब बेला भी न्यू आया था तो बेला ने भी कम अज़ कम 2 से 3 दिन तक कुछ खाया भी नहीं था, और बेड के नीचे से बाहर भी नहीं था। जो न्यू कैट्स होती हैं ना, मतलब उनकी जगह जब चेंज होती है तो वो ऐसे ही करती हैं। हमारे पास जितनी भी कैट्स आई हैं उन सब ने इस तरह ही किया था। और ये जो बेला है बर्ड्स के इंतज़ार में है, कोई इसको नज़र आ जाए, बस इसके आँखें ऊपर ही होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।